चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन सेट कर लें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कंटिन्यू टू वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं मूंगफली, बादाम के दाने और ये गुड़। तो आज हम बनाने वाले हैं चिक्की, और आप अगर बनाना चाहते हैं घर पे तो इस तरीके से एक बार आप बनाकर देखिए, बहुत ही बढ़िया टेस्टी, और सर्दी में तो खासकर ये खाना ही चाहिए। तो आधा केजी बादाम के दाने हैं और एक केजी गुड़। तो सबसे पहले हम बादाम को भून लेंगे, और इसके लिए हमारा ये कढ़ाई गर्म है। तो चलिए सबसे पहले बादाम को भूनते हैं। कढ़ाई गर्म है, इसमें हम बादाम को भून लेंगे। तो जब तक इसमें चटकने का आवाज नहीं आने लगे तब तक इसे भूनना है। अभी तो हमने इसे डाला ही है, तो इसमें चटकने का आवाज आना स्टार्ट हो गया है। जब चटकना स्टार्ट हो जाए तो समझिए कि ये हमारा आधा से ज्यादा पक चुका है, और इसे बराबर से चलाते रहना है ताकि सभी में बराबर से सेंक लगे। और इसमें दो तरह का बनाया जाता है, एक थोड़ा पतले साइज का और एक मोटे साइज का। तो हम यहाँ पे पतले साइज का बनाएंगे, और पतले साइज का अगर आपको बनाना है तो इसमें जैसे ये पूरा गोटा है, इसको दाल के जैसा बना लेंगे, यानी कि एक मूंगफली से दो अलग अलग कर लेंगे और इसका छिलका हटा लेंगे। और अगर आप मोटा बनाना चाहते हैं तो इसका छिलका निकालने की जरूरत नहीं है। तो ये देखिए, इसे थोड़ा खर करके भून लेंगे हम, क्योंकि हमें इसका छिलका निकालना है। करीब करीब हमारा ये तैयार है। इसको हम क्या करेंगे, इसका छिलका इस तरह से निकाल लेंगे। इस तरह से दो दाल के जैसा कर लेना है इसे, उसके बाद इसे साफ कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से कर लेना है हमें। इसके बाद कढ़ाई हमारा गर्म है, उसमें गुड़ डालेंगे और एक चम्मच इसमें घी या रिफाइन आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि चिक्की हमारा बेलते समय चिपकेगा नहीं। इसके बाद इसमें गुड़ डाल लेंगे। और पानी इसमें हल्का सा डालेंगे, आधा कप के बराबर। हल्का सा पानी डालेंगे। थोड़ी देर में ये पिघलने लगेगा गुड़। तो ये गुड़ का चाशनी हमारा तैयार हो रहा है, और इसके बाद एक चीज और आपको तैयार कर लेना है, क्या ये पटरा जिसपे सनमाइका लगा है, इस पे हम बेलेंगे। अगर आपके पास इस तरह का नहीं है तो आप एक प्लास्टिक ले लें, साफ प्लास्टिक, और प्लास्टिक को बिछा लें, उसके ऊपर डाल के आप सेम कर सकते हैं। इसी तरह से हम इस पे करेंगे, इसे साफ कर लेंगे थोड़ा। तो देखिए कितना मस्त फ्लेवर हमारा ये तैयार हो रहा है, गुड़ का चाशनी। और अगर आप चाहें तो इसमें सौंफ डाल सकते हैं, और बेहतर फ्लेवर के लिए, ये फ्लेवर के लिए, बेहतर टेस्ट के लिए। उसका एक अपना महक होता है और फायदेमंद भी है, सेहतमंद चीज है वो भी। तो
अभी हमारा गुड़ अच्छी तरह से मिक्स नहीं हुआ है, इसे चलाते रहेंगे बीच बीच में। तो चाशनी हमारा करीब करीब तैयार है और इसे चेक करने का एक तरीका है कि ये तैयार हो गया कि नहीं। तो ये चेक करने का जो तरीका है, ये पानी लेंगे और इसमें जब हम ऐसे डालेंगे तो ये गोल नहीं बनके ये तार के जैसा, धागा के जैसा लंबा बनते हुए अंदर जाएगा, तो समझेंगे कि ये तैयार है। अभी हमारा ये तैयार नहीं हुआ है। तो एक बार फिर से हम पानी में डालकर देखेंगे। देखिए अब ये लंबा बन रहा है, हमारा ये तैयार हो चुका है। ये हमारा तैयार है, अब इसमें बादाम को डाल देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पे हम इसको बेलेंगे और इसलिए इसे साफ कर लिया है। इसमें हल्का हम रिफाइन ऑयल को भी लगा लेंगे इस तरह से, ताकि इसमें हमारा चिपके नहीं। इसके ऊपर हम इस तरह से डालेंगे। और इस तरह से फैला लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने फैला लिया है और इस बेलना में ऑयल लगाकर आप इस तरह से इसे कर ले, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।